आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब बुद्धिजीवियों के बीच में से, हमारे उद्योग जगत के लोगों से, कि इस बार का जो G20 का सम्मिट हुआ, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं राज्य के स्तर पर बात करूं तो उत्तराखंड राज्य को भी एक नहीं बल्कि तीन तीन अवसर हमको उपलब्ध हुए कि तीन बड़ी मीटिंगें हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर आयोजित की और तीनों में जो हमारे डेलीगेट्स आए थे वो एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड से गए। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारे यहाँ पर जो काम हुए हैं, या मैं कहूँ कि उत्तराखंड राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भी वो गए, भारत की जो समृद्ध विरासत है, भारत का सामर्थ्य है, उसको पूरी दुनिया ने देखा और हमको भी तीन बैठकें हुई तो, और तीनों में हमारे भी ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो गए। और इतना ही नहीं, मैं जब ब्रिटेन गया था तो वहां के पर्यटन मंत्री से मिला तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि क्या गजब का आपका G20 का आयोजन हुआ, आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या प्लानिंग थी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को आपका देश दिखा दिया। गर्व की अनुभूति हुई, सीना चौड़ा हो गया जब दुनिया के दूसरे देशों में भी आज हमारी इस प्रकार की प्रसिद्धि हो रही है। और उसके कारण से मैं उत्तराखंड की बात करने जरूर आया हूं आप सबसे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण तैयार हुआ है कि आने वाले जो 25 साल हैं वो आज भारत के 25 साल होने वाले हैं, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर भारत के लोग, भारत के अंदर पूरी दुनिया के लोग आज जो है व्यापार के लिए, निवेश के लिए आना चाहते हैं। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।